तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ और स्टोरी का नाम है एक लालची साधु और एक ठग। अभी स्टोरी होती है स्टार्ट एक गांव से। उस गांव के अंदर ये साधु जाता है और वहाँ पे जाकर के अपना एक मंदिर में एक जगह बना लेता है। उस जगह पे जाकर के ना बैठ जाता है डेली और वहाँ पे लोगों को ना पागल बनाना स्टार्ट करता है। पागल कैसे बनाता है कि लोगों को कुछ भी बताना कि तुम्हारे ग्रहचाल खराब है या तुम्हारे पास इस चीज़ की दिक्कत है, मैं वो ठीक कर सकता हूँ। लोगों को मूर्ख बना के उनसे कुछ ना कुछ पैसा बदले मांगता है और ऐसा करते 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 उसके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है। बिकॉज उस पूरे गांव के अंदर ये इकलौता साधु होता है जिसके बारे में लोग ये सोचते हैं कि उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं और वो लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर देता है कि लोग उसकी बातों में आ करके ना लोग उसको पैसा देना भी स्टार्ट कर देते हैं। ये साधु इतना घमंडी, इतना लालची होता है कि ये अपने अलावा किसी दूसरे साधु को गाँव में नहीं आने देता। यानी कि कोई दूसरा साधु भी अगर आना चाहे तो उसकी एंट्री नहीं होने देता है। लोगों से उसको बोलता है कि ये ठग है, इसको बाहर करो, और लोग उसको बाहर कर देते हैं। तो गाइस इस तरीके से वो साधु बहुत पैसा कमाता है उस गांव से। अब एक दिन क्या होता है कि एक ठग होता है, वो कहता है कि मैं इस साधु को सबक सिखाऊंगा और मैं इसके सारे पैसे छीनूंगा। तो जो ठग है वो क्या सोचता है कि मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना मैं इसका शिष्य बन के उसके पास जाऊँ और मैं उसको बोलूँ कि गुरुदेव मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान दो ताकि मैं भी लोगों का उद्धार कर पाऊँ। अब वो शिष्य बन करके जाता है उस साधु के पास और उसको बोलता है कि साधु मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूँ और मुझे अपने पास रख लीजिए। एक दिन ऐसा आता है कि साधु को दूसरे गांव से न्योता आता है कि साधु हमारे गांव आइए और हमारे यहाँ के लोगों के लिए भी आप कुछ अच्छे कुछ नेक काम करके जाइए। जब वो दूसरे गाँव जाता है तो रस्ते में एक नहर पड़ती है, तो साधु सोचता है कि चलो दूसरे गाँव जाने से पहले मैं स्नान करके जाऊँगा। तो साधु क्या करता है, जब मंदिर से निकलता है ना तो काफ़ी सारा पैसा लेके निकला होता है पोटली में अपना सारा पैसा, क्योंकि उसको किसी पे विश्वास नहीं होता। तो वो उस पोटली को रख देता है कम्बल के नीचे छुपा करके और शिष्य को बोल के जाता है कि देख मैं तो जा रहा हूँ स्नान करने, तू उसका ध्यान रखियो मेरे पीछे से। शिष्य होता है ठग। अब जब साधु जब वापस नदी से बाहर निकलता है नहर से नहा करके तो शिष्य उसका सारा पैसा लेके जा चुका होता है। तो गाइस इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला कि यहाँ पे जो दो कैरेक्टर के नाम मैंने लिए ना, साधु और ठग, ये हमारे रियल लाइफ में हम खुद हैं। हम खुद कैसे हैं कि जो साधु है ना वो है ट्रेडर, ठीक है, और जो ठग है ना वो है मार्केट। ट्रेडर जो है वो साधु क्यों है, बिकॉज ट्रेडर भी लालची होता है साधु की तरह। उसको ये होता है कि सारा का सारा पैसा मार्केट का मैं ही कमाऊंगा और आज के आज ही लेके जाऊंगा, मैं किसी को नहीं ले जाने दूंगा। ट्रेडर का लालच खत्म नहीं होता, 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 3:30 बजे तक उसका लालच कंटिन्यू रहता है। लॉस में आने के बाद भी वो सोचता है कि लॉस कवर भी करूंगा, ऊपर से प्रॉफिट भी लेके जाऊंगा। और लेकिन मार्केट जो कि एक ठग है वो आपको बार बार ये दिखाती है कि हाँ तू ट्रेड कर, मैं तेरे साथ हूँ, इस ट्रेड में तू डेफिनेटली पैसा कमाएगा और तेरे साथ मैं हूँ, तेरे साथ देते 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 वो सारा पैसा ट्रेडर का ले जाती है रात तक। तो जब मार्केट बंद होता है 3:30 बजे, तब तक जो ट्रेडर होता है वो जो मार्केट का कमाया हुआ पैसा होता है वो भी मार्केट को देता है, प्लस अपनी जेब से भी मार्केट को पैसा दे के जाता है। तो गाइस इस पूरी स्टोरी से हमें एक सीख मिलती है कि हमें साधु की तरह लालची नहीं होना। मार्केट को जैसे साधु ने शिष्य पे ट्रस्ट किया था वैसे ही हमें मार्केट पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। मार्केट आपको एक ही दिन में सारा पैसा नहीं देने वाली, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, स्किल्स लगाने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 5-7-10 साल का टाइम लगेगा तब जा करके आपको मार्केट आपके जो आपका एक आपने अमाउंट सोचा होगा इतना कमाना है उतना देगी, लेकिन टाइम लगेगा। मार्केट में हमेशा मैं बोलता हूँ कि कम कमाने का सोचो और कम लॉस करने का भी सोचो, उसी प्लानिंग से आप ट्रेड करोगे तभी आप आगे सक्सेसफुल हो पाओगे। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ।